न्याय और तो ये अशुभ पुनर्विवाह क्या इसे अशुभ पुनर्विवाह करने का मतलब है कि आप समझ जाइए कि 40 वर्ष के बाद मैं जिंदा हुआ। आज में कैसा लगता था, लोग भूत कहते थे, शैतान कहते थे, मृतक कहते, चलती फिरती लाश आ गया, कंकाल आ गया। हाँ, ये हम लोग कोई शौक नहीं, हमारी उम्र 69 वर्ष हो गई, हमारे पत्नी की भी उम्र उतना ही है लगभग, समझिए। ये जन आंदोलन किसी वजह से लिया, कुर्सियाँ लिया, कुर्सी सामने देखिए, किनारे भैया बोलता ना, वो कहाँ भैया, वहाँ पाइए धीरे धीरे, आराम से आराम। अरे सत्था दुल्हनिया के रही क्यों हो, संभल ले बाबा, माला दे दे चल रहा ऊपर बैठो अब भी बीच में चले जाए, इधर कर लीजिए, एक लोग वहाँ चले, ए उधर 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 सर का दुख माला पकड़ के सामने हल्का सामने पकड़ो हम आशीर्वाद भैया, पकड़ो रे वीडियो कभी जब भसू लग गया हो अरे ते नकली भसू रहा आज आज आयो कुल बेइज्जती करवा बैठ के बैठ के रोटी ले जाके बेइज्जती करवा प्रोसेस चेयर आगे कर लेंगे तो हम लोग अरे अरे हाथ का आशीर्वाद देवा देवा ना जा पाओ चाची बाबा आशीर्वाद देता हूं आ जाओ ले भाई पूरा रोड पे को मकान ना बने इधर दुकान आज तो बहुत अशुभ विवाह इसपे क्या कहना चाहिए। देखिए अशुभ पुनर्विवाह ये हम लोग कोई शौक नहीं, हमारी उम्र 69 वर्ष हो गई, हमारे पत्नी की भी उम्र उतना ही है लगभग, समझिए। ये जन आंदोलन जागरूकता अभियान, जनता को एक जागरूक करने का तरीका है। आज हम धरना प्रदर्शन देंगे तो हमारे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, जेल चले जाएंगे, हमारे जो समर्थक रहेंगे मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, सभी मुलजिम हो जाएंगे। तो ये हमारा एक जन आंदोलन है, जो आदमी को जिंदा मुर्दा करके जमीन हड़प ली जाती है या कोई बाहर रहता है उनकी जमीन हड़प ली जाती है। मेरे साथ नहीं है, तमाम लोगों के साथ हो रहा है, हजारों लोगों के साथ हो रहा है। तो जब मेरे जैसा व्यक्ति 1976 से लगातार संघर्ष कर रहा है और मुझे न्याय नहीं मिला, तो अन्य लोगों के साथ जो नहीं लड़ पाते हैं उनकी क्या हालत होगी। अब देखिए मुझे 30/7/1976 मृत घोषित किया गया था, जिला अधिकारी 1994 में जिंदा कर दिए, हमारा 25 करोड़ का हर्जा खर्चा मानहानि का मुआवजा चला था हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट भी समझ जाइए कि वही सरकार की बात मान के 10,000 जुर्माना जो लगा था वो खारिज हो गया, हाई कोर्ट ने 10,000 जुर्माना भी लगा दिया, दागी बना दिया। तो इस तरह से समझ जाइए हमको लड़ते लड़ते पूर्ण रूप से हम जिंदा हुए हैं।
16 जनवरी 2017 को न्यायालय उप जिला अधिकारी निजामाबाद ने हमें जिंदा किया, और जो जिला अधिकारी का जो आदेश था और जो 1976 का आदेश था, दोनों फाइल को सरकार ने गायब कर दिया, मतलब हमारा साक्ष्य मिटा दिया हमारा। तो ये पुनर्विवाह करने का शौक नहीं, एक आंदोलन है, और हमारे पत्नी के तरफ से कुछ मांग है। और अब देखिए पत्नी क्या कहती है। 94 में जब आपको जिलाधिकारी आजमगढ़ ने जब आपको घोषित किया जीवित, तो क्या कह के घोषित किया जीवित? देखिए वो जीवित घोषित कर दिया और कह के कहा वो हम जीवित हैं। और आपको न्याय मिला 16 में जाके, 2016 नहीं में? नहीं, तो उस फाइल को गायब कर दिए जिला प्रशासन के और सरकार के मिली भगत से, मतलब 1976 और 1994 की दोनों फाइल को गायब कर दिए। तो जब गायब कर दिया साक्ष्य मिट गया, लेकिन कहीं कहीं चोर फंस जाता है। वो आदेश हमको किया था 16 जनवरी 2017 को आदेश किए, लेकिन एक बीच में कलाकारी सरकार की थी कि हमारे चचेरे भाइयों की जमीन सारा हमारे नाम कर दिए थे। उनका ये फार्मूला था कि आपस में खूनी संघर्ष कर लेंगे और ये मार कर लेंगे तो इनको जेल में कोई धारा लगा के बंद कर दिया जाएगा तो लड़ नहीं पाएंगे। तो जब मुझे जानकारी तो मैं एकदम खामोश हो गया, मैं कुछ बोला नहीं। लेकिन जब नहीं पेश पाए तो उस फाइल को गायब कर दिए। तो सरकार कितनी पीछा करती है जब नहीं दा पाती है। हमारा घर भी वो समझ जाइए कि जहाँ हमारा जन्मभूमि है वो बुलडोजर लेकर गए थे गिराने के लिए, वहाँ भी नहीं चांस लगा। तो हमेशा सरकार पीछा करती है, लेकिन अंत में आकर यहाँ फंस गई। मतलब न्यायालय उप जिला अधिकारी निजामबाद ने आदेश कर दिया है, उसका मुकदमा नंबर है 163। तो आप सब 163 तो इसमें जब हुआ है तो अब हम, हमारी उम्र हो गई 40 वर्ष ना, 40 वर्ष के बाद हुआ ना, मतलब आप समझ जाइए कि 40 वर्ष 5 महीना 18 दिन जो भी हम जिंदा हुए। तो अब तो हमारी उम्र हो गई 7 वर्ष ना, जब से हम जिंदा, हमको तो अभिलेख में जिंदा किया गया था। और देखिए ये जहां हम अमिलों में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, यहां हम जिंदा थे, ग्राम खलीलाबाद में मृतक थे। अब देखिए सरकार की व्यवस्था एक ही विभाग में, एक गांव में आदमी जिंदा है, दूसरे गांव में मृतक है। तब न्यायालय से भी नहीं, न्यायालय से कहां मिला। हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ 10,000 जुर्माना लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने 10,000 जुर्माना लगाकर अभी भी लगा दिया जुर्माना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 10,000 क्या कह के लगाया। अरे हमने समय कोर्ट का बर्बाद किया, लेकिन हम जब 40 वर्ष से लड़े हमारा समय नहीं बर्बाद हुआ। अच्छा लाल बिहारी जी, आप बताइए इतना साल संघर्ष किया आपने, तो समाज में उठना बैठना आप किस तरह से झेलते थे और कैसा लगता था आप लोगों को? देखिए समाज में कैसा लगता था, लोग भूत कहते थे, शैतान कहते थे, मृतक कहते, चलती फिरती लाश आ गया, कंकाल आ गया, हाँ तो मुर्दा आ गया, मृतक आ गया, तो सारी तरह की लोग बातें करते थे। लेकिन हाँ, लेकिन एक बात है, देखिए उनका बोलना मेरे लिए लड़ना बराबर है। अगर नहीं बोलते मैं लड़ भी नहीं पाता, मेरी जो दबी हुई प्रतिभा को वो जगा रहे थे बेंग बोलकर। तो जितना बोलते थे उतना ही मैं लड़ता था, लेकिन मैं लड़ते लड़ते कई करोड़ रुपया यहाँ के इस गांव में आप आए पूछ लीजिए, मैं लगभग 1.5 बीघा जमीन बेच दिया हूँ उस लड़ाई में, जीवित मृतक के चक्कर में। वो जमीन मैं 10,000 से 20,000 रुपया बिसवा बेचा हूँ, आज उस जमीन की कीमत लगभग 27 लाख रुपया बिसवा है। तो कितना, मतलब कई करोड़ मेरा नुकसान हुआ। मेरा बनारसी साड़ी का कारखाना बर्बाद हो गया, हम लोग पति पत्नी बुनाई करते थे, अच्छा तरह से दाल रोटी चला लेते थे, लेकिन जब मृतक हो गए तो मृतक के चक्कर में, मृतक की लड़ाई में हमारा सब बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। सब मिला जुला के आपको अभी तक न्याय नहीं मिला? नहीं, न्याय तो ये अशुभ पुनर्विवाह क्या, इसे आप अशुभ अशुभ पुनर्विवाह करने का मतलब है कि आप समझ जाइए कि 40 वर्ष के बाद मैं जिंदा हुआ, तो बाल विवाह हुआ ना, अभी 7 वर्ष मेरी उम्र हुई ना। हमारी पत्नी 67 वर्ष की है, ये भी विधवा रही, विधवा पेंशन के लिए गई तो सरकार इनको विधवा पेंशन भी नहीं दिया। अब जा रही है सरकार से मांग कर रही हैं, अब इनसे पूछिए क्या मांग रही हैं। क्या मांग रही हैं आप सरकार से, बताओ भाई। एक मिनट से पूछिए, कितना साथ हुआ, कितना संघर्ष को देखिए।
एक मिनट, पहले अपना नाम बताइए। आप लाल बिहारी जी के क्या लगते हैं? इस संघर्ष में आपको कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी? बहुत लड़ाई थी। घर द्वार पर नहीं भग तब हमके एक साथ साथ हमके 25 करोड़ दावत हमके 50 करोड़ न्यायालय में आपने इसके लिए बात दाखिल किया है? नहीं अभी नहीं सुनवाई, अभी तो आज इनकी मांग है। हम तैयार रखें कि हमके 50 करोड़ से ऊपर चाहिए लड़ाई में। हम जीवन साथी हैं ना, चाहिए ना। अब क्या चाह रही हैं? अब जीवन तो आपका लगभग पूरा ही हो चुका है, पूरा तो आने वाले दिनों में सरकार से क्या चाहती हैं? 50 करोड़ से ऊपर रकम चाहते हैं सरकार से मांग करती हैं। हमारे इतने नुकसान है, खेत बिक गया, गाजर बनक है, गाना भी सब बिक गया, साथ में इतनी मुसीबत साले हैं, भूख प्यासा रहा है, तो जब साथ में रहे हमके सरकार हमको 50 करोड़ से ऊपर दे। हाँ फैमिली के साथ भाई आओ, आइए भाई। अरे हमारी बेटी आ जाए तो पतो आ जाओ, आप लोगों को इससे क्या से परेशानियां तो फिलहाल कोई आर्थिक नुकसान भी हो गया है, उसका सामना